नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, सोने से पहले नींबू के रस में मिला करके लगा लें, ये ऑयल धूप में काली हुई गर्दन हो जाएगी गोरी। जी हां, बहुत सारे लोगों को अभी समस्या ये होती है। गर्मियों में टैनिंग तो पूरी बॉडी पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्दन पर दिखाई देती है, ये कहना है ब्यूटीशियंस का। लेकिन कुछ घरेलू उपायों से इसे क्लीन किया जा सकता है। यहाँ हम आपको काली गर्दन को साफ करने के कुछ आसान घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप स्किन को साफ कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का चेहरा क्लियर होता है, लेकिन गर्दन काली हो जाती है टैनिंग की वजह से। वे उसे साफ करने के तरीके या उपाय पूछते रहते हैं। गर्मियों में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। लड़कियों के साथ ही लड़के भी इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। घर पर कुछ आसान से उपाय करके इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं गर्दन काली होने की वजहों के बारे में। लंबे समय तक धूप में रहना, पोल्यूशन, केमिकल वाले स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, मोटापा और डायबिटीज़। जी हाँ, अब आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। ऑलिव ऑयल और नींबू का रस। जी हाँ, नींबू का रस और ऑलिव ऑयल को इक्वल करके मिक्स कर लेना है। रात को सोने से पहले इसे लगा लेना है। इस उपाय को एक महीने तक करना है, आपकी काली गर्दन गोरी हो जाएगी। नींबू में नेचुरल ब्लीच होता है, जो कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करके स्किन पोर्स को बंद कर देता है। ऑलिव ऑयल स्किन की कंडीशनिंग करके इसे सॉफ्ट बना देता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है एलोवेरा। जी हाँ, एलोवेरा की सहायता से। एलोवेरा की एक पत्ती लेनी है आपको, उसके जेल को निकालना है और उसे गर्दन पर मलना है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर पानी से धो लेना है। ये हर दिन यूज करना है आपको। एलोवेरा में फ्लेवोनॉइड पाया जाता है, जो कि स्किन को लाइट करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल स्किन को हाइड्रेटेड करते हैं, जिससे गर्मी का ज़्यादा असर नहीं होता है। इसके अलावा एप्पल साइड विनेगर। एप्पल साइड विनेगर में पानी मिला करके उसे कॉटन से गर्दन पर लगाएं, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। एप्पल साइड विनेगर स्किन के पीएच को बैलेंस करता है और उसे नेचुरल ग्लो देता है। यह डेड स्किन को हटा देता है, जिससे स्किन फेयर हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला मेलिक एसिड कालापन हटाता है। इसे एक दिन छोड़ करके यूज करना चाहिए। इस उपाय को यूज करने के बाद गर्दन पर क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एप्पल साइड विनेगर स्किन को हाइड्रेटेड कर रखता है और करता है। बादाम और नारियल का उपयोग। जी हाँ, नारियल तेल लगाइए और बादाम ऑयल। बादाम और नारियल के तेल की कुछ एक बूंदों को साथ में मिलाइए। नेक को साबुन या बॉडी वॉश से साफ कर लीजिए, फिर ऑयल की मसाज 10 मिनट तक गर्दन पर कीजिए। इसके बाद गर्म पानी से गर्दन को साफ कर लीजिए। इस उपाय को आपको हर रोज करना है। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है, जो स्किन को स्मूथ और हेल्दी रखता है। इसमें नेचुरल माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट भी पाया जाता है, जो कॉम्प्लेक्शन क्लियर करके स्किन टोन को साफ करता है। इस वजह से ये आपकी स्किन के लिए लाभदायक साबित होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का प्रयोग करें। 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा लें, इसमें पानी मिला करके गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे गर्दन पर लगाएं, 10 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद इसे गीले हाथों से स्क्रब करके निकाल लें। अब गर्दन पर क्रीम लगा लें। इसे वीक में हर दिन यूज करें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यह पैक डल और डेड स्किन की लेयर को हटा देता है। बेकिंग सोडा स्किन को निरश भी कर देता है। इसके अलावा आलू का रस। एक छोटे आलू का रस निकाल लें, या फिर आलू को ऐसे कि स्किन का रगड़ लें, स्किन पर इसको रगड़ना है आपको। रस को 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद इसे गर्म पानी से धो लें। इसे हर दिन 1 या 2 बार करें। आलू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो स्किन को टाइट करने के साथ ही डार्क पैचेज और स्पॉट को हटाने में कारगर होती है। इसीलिए ये बेहद ही लाभकारी प्रयोग सिद्ध होता है, खास करके जो सन टैनिंग से हुई रहती है स्किन को डैमेज, उसको दूर करने के लिए। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।